हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस सेशन। कैन यू हियर मी एवरीबॉडी? जस्ट सेंड मी थम्स सो आई कैन कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली। यस यस ओके, आई होप कैन हियर मी। ग्रेट, यस, थैंक यू ज्योति, थैंक यू मधुमिता। सो वेलकम फॉर टूडेज दिस सेशन ऑफ पेंटिंग स्नोस्केप, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और आज हम इसके बारे में बातें भी करेंगे कि ये सब्जेक्ट को कैसे हमें अचीव किया जा सकता है। सो स्पेशली मैंने आज का जो सेशन है ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्लान किया है। सो इसका जो भी डेमो है, मतलब मैंने ऑलरेडी इट्स अ प्री रिकॉर्डेड डेमो ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि मैं लाइव जब हम काम करते हैं तो एक आर्टिस्ट पूरी तरह से काम में बिजी रहता है और फिर आप लोगों को से ज़्यादा बात नहीं हो पाती है या फिर जो प्रोसेस है वो पूरी कम्प्लीटली बता नहीं पाते हैं। तो आई विल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि मैंने काम कैसे प्लान किया हुआ है। तो आई विल शेयर एवरीथिंग। आई होप दिस न्यू एक्सपेरिमेंट विल लाइक। ओके, यस। सो स्नोस्केप एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्पेशली हमने बहुत देखा है कि काफ़ी अलग अलग मीडियम में हमने देखा है, स्पेशली इन ऑयल्स, एक्रेलिक, ओपेक कलर में ये जो स्नोस्केप है ये पेंट करना थोड़ा आसान होता है। बट यही सेम थिंग इफ़ यू वॉन्ट टू पेंट इन वाटर कलर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज स्नो के लिए हम लोग ओपेक मीडियम में वाइट कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें वाइट कलर यूज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे वाइट स्पेस बहुत है बट वी कैन नॉट पेंट विथ वाइट कलर। सो हियर द पेपर वाइट इज अवर मेन वाइट कलर। सो हमें उस पेपर का जो वाइटनेस है उसे हमें अच्छी तरीके से यूज करना है। ओके, तो कैसे वो पेपर वाइट को हमें छोड़ के वो जो स्नो का इफेक्ट है वो हमें अचीव करना है, ये आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। आई होप यू लाइक दिस डेमो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू द मेन रेफरेंसेस कि आज का जो भी डेमो है इसके लिए मैंने कौन से रेफरेंसेस चूज किए हुए। यस, हाँ, सो बिकॉज ऑफ दिस प्री रिकॉर्डेड वीडियो, आज जो डेमो का है जो वीडियो है वो मेरा प्री रिकॉर्डेड है बट मैं आपके साथ लाइव हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको दो स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट साइड में कोने में मैं आपके साथ लाइव हूँ, सो आई कैन रीड ऑल ऑफ योर कमेंट, और लेफ्ट साइड में हमारा जो वीडियो का डेमो है वो भी चल रहा है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। इन बिटवीन इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, सो हियर आई एम टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंटरेक्ट विथ मी। सो बिंदास, आप लोगों को जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं और मैं आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे आसानी से आपको बता पाऊँगा। सो मेनली आज मैं आप पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, मेरा पेंटिंग तो भी रहा है साइड में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फोटो रेफरेंसेज बिकॉज इन इंडिया इज़ अ वेरी वॉर्म, हमारे इंडिया में काफ़ी वार्म वेदर होता है, स्नो काफ़ी कम देखा जाता है। सो हम ज़्यादातर फॉरेन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस तरीके का वेदर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इंडिया में सिर्फ कश्मीर, हिमाचल, इस इलाके में, हिमालय के इलाके में हमें ये सब स्नो दिखाई देता है।
तो टू स्टडी दैट यू नीड टू विजिट देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हेलो सिकंदर भाई, थैंक यू। हाय मनी, हेलो बिपिन, हेलो अमर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को एक साथ देखते हुए, और आप सभी सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं सपोर्ट आपका मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे वीडियोस को, ये जो हमने सेशन शुरू किया है यूट्यूब लाइव का, सिकंदर जी, मैं, निशिकांत जी, अचिंत्या जी, हम चारों लोगों ने ये जो सेशंस अरेंज किए हैं, इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम इसमें हर बार हर आर्टिस्ट हर मेंटोर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कुछ सीखना है, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हैं, आपको क्या सीखना है से स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट में, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए। सबसे पहले व्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियोस को व्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1-2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, तो अगर आप वो करेंगे, प्लीज़ सपोर्ट आर्टिस्ट, बिकॉज ऑल ऑफ वी आर सपोर्टिंग ऑल ऑफ यू। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे मेंटोर्स को सपोर्ट करें, ये जो भी अकाउंट्स हैं आप सब्सक्राइब कीजिए सभी के, और इसी साथ ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और एट एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हमारा अगला इवेंट क्या होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डेमोन्स्ट्रेशन। सो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कौन सा फोटो रेफरेंसेस यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। सो आई जस्ट शो यू सम ऑफ द फोटो रेफरेंसेस। सो अगर मुझे कोई भी पेंटिंग बनाना है, तो मैं कभी भी कोई भी एक फोटोग्राफ पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, और जो भी फोटोग्राफ लेना है वो मैं खुद फोटो लेता हूँ। बट सिंस ये थोड़ा स्नोस्केप वाला पेंटिंग है, तो मैंने स्नो इतना कभी देखा नहीं है, और ये मेरा थोड़ा पुराना पेंटिंग है, तो आई ऑलवेज प्रेफर मल्टीपल फोटो रेफरेंसेस, और सभी को मिला के हम लोग एक में से एक का जो निचोड़ होता है उसको हम लोग एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम सिकंदर भाई ने भी तीन अलग अलग उनके जो पेंटिंग्स थे उनको एक साथ कैसे कंपोज करके एक पूरा पेंटिंग बनाया था, बहुत ही अच्छा पेंटिंग बना था वो, वन ऑफ द बेस्ट वर्क। उसी तरीके से आज मैं भी कुछ वैसे ही करने वाला हूँ। सो यू कैन सी दिस इज़ अ फोटो रेफरेंस ऑफ माउंटेन, स्नो माउंटेन, दिस इज अनदर स्नो माउंटेन, एंड दिस इज अनदर थर्ड माउंट। सो माई कॉम्पोजिशन विल बी मोर एंड लेस लाइक दिस ओनली, बिकॉज आई लाइक दिस हाउस एंड दिस रोड ओवर हियर, बट ये जो माउंटेन है इसके ऊपर मुझे लाइटिंग कुछ इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने ये फोटो रेफरेंस और ये फोटो रेफरेंस एज अ रेफरेंस लिया हुआ है। सो आई एम गोइंग टू कंबाइन दिस फोटो एंड दिस फोटो ऑल टुगेदर। ओके, सो इसका ड्राइंग मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी करके रखा हुआ है। आई वुड लाइक टू शो यू द ड्राइंग ऑफ दिस थिंग। सो ड्राइंग इज ऑलरेडी डन, दिस इज अ ड्राइंग, पेंसिल ड्राइंग ऑफ दिस कंप्लीट कॉम्पोजिशन। तो यू कैन सी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो माउंटेन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इज द माउंटेन, और थोड़ा सा मैंने अपने मन से भी ऐड किया हुआ है, और वो जो दूसरी इमेज में से जो एक है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सो दिस इज अ कॉम्पोजिशन। थैंक यू वंशिका फॉर अप्रिशिएटिंग अवर इनिशिएटिव, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सिकंदर भाई, या थैंक यू आदित्य, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड टू सी यू यार, ऑल ऑफ यू। सो ये दिस इज द ड्राइंग ऑफ आवर मेन पेंटिंग, और इसी के साथ अभी हम लोग डायरेक्टली वाटर कलर पेंटिंग हम लोग शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू होता है। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ दिस, एंड यू कैन सी आई विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वॉश।
तो मैंने यहाँ पे मेरा पूरा पेपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर स्ट्रेच कर लिया था पहले ही, ताकि जब भी मैं पानी का वॉश इसमें इस्तेमाल करूँ तो मेरा पेपर बकल नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक मैंने 2 सेशन पहले आप सभी लोगों को पेपर कैसे स्ट्रेच किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेचिंग योर पेपर। यू कैन सी माई पेपर इज़ नॉट बकलिंग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे पूरे पेपर को पानी मैंने एक वॉश कर लिया है। आई एम ट्राइंग टू गिव अ फर्स्ट वॉश। तो हमारे जो एक जो बेस होता है किसी भी पेंटिंग का, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट विद येलो ऑकर कलर हियर, बिकॉज इफ यू लुक एट द माउंटेन, माउंटेन के जो भी टॉप्स हैं दोज आर नॉट एक प्योरली वाइट। उसके ऊपर एक थोड़ा सा सनलाइट का एक येलो टोन आपको दिखाई देगा। सो दिस इज येलो ऑकर, कैन सी। सो आई एम जस्ट आई हैव जस्ट स्प्रेडेड दैट येलो ऑकर। जब मेरा पूरा पेपर मैंने वेट किया तब, और उसको वैसे ही रख दिया और पूरा पेपर ड्राई कर दिया मैंने ड्रायर से। नाउ द पेपर इज कम्प्लीटली ड्राई हियर एंड आई एम स्टार्टिंग विद द लाइट टोन। सो माउंटेन्स का जो लाइट टोन होता है वो मेनली काफ़ी कूल टेम्परेचर होता है उसका। हियर आई एम यूजिंग सेरेलिन ब्लू एंड फ्रेंच अल्ट्रामरीन ब्लू, वेरी थिन लेयर। सो यू कैन सी आई एम जस्ट इन दिस पेंटिंग यू विल नॉट फाइंड अ टिपिकल वाटर कलर टेक्निक। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ग्लेजिंग टेक्निक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा फ्लोज आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो स्लोली आई हैव मार्क माई ऑल द शेडोज। जैसे एक माउंटेन की जो राउंडिटी है, तो राइट साइड से लाइट माउंटेन के ऊपर आ रहा है तो लेफ्ट साइड की तरफ सारी शेडोज हैं। समटाइम्स डोंट सी प्रॉपर लाइट एंड शेडोज डिफरेंसेस, तो हमें थोड़ा सा मेमोरी से लाइट और शेडो ऐड करनी पड़ती है। मेरे इमेज में भी उतनी अच्छी शेडोज नहीं थी, फिर भी मैंने उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करने की कोशिश। यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड आई स्टार्टेड विथ स्लाइटली लाइटर टोन ऑफ अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड देन आई एम गिविंग अ टच ऑफ सेरेलिन ब्लू विच इज़ अ वेरी नाइस मिंट ब्लू फॉर अ स्नो लैंडस्केप, स्नोस्केप। सो दिस इज गोइंग टू बी माई मेन फोकल पॉइंट। ये जो द पीक्स ऑफ दिस माउंटेन्स, दीज आर माई मेन फोकल पॉइंट। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी सर फ्रॉम वेयर यू यू स्टार्ट योर वर्क, कि आप कहाँ से आपका काम शुरू करते हो। बेसिकली आई स्टार्ट फ्रॉम माई फोकल पॉइंट। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई मेन फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मीन्स आपके पूरे पेंटिंग में एक कोई पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी जगह पर डिटेल नहीं कर सकते, ठीक ये बात आपको बहुत समझनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग फोटो रेफरेंसेस रेफर करते हैं। पहली बात तो आपको फोटो रेफरेंस से काम करना ही नहीं है। आप जितना लाइव काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम इम्प्रूव। एवरीबडी प्लीज़ टेक दिस एडवाइस वेरी सीरियसली। अभी हमारे क्लासेस में क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। हर बार स्पॉट पे जाके काम करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें तो रेफरेंस से काम करना पड़ता है। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा, इफ़ यू आर अ बिगिनर प्लीज़ गो ऑन लोकेशन। अगर आपको पोर्ट्रेट भी करना है आप लाइव मॉडल अरेंज करके काम कीजिए, बिकॉज फोटो इज़ अ 2D थिंग ना। फोटो का जो एक इमेज होती है दैट इज़ अ 2D। सो आप 2D से 3D का जो इफेक्ट है या का जो इम्प्रेशन है, इसे हम लोग इल्यूजन कहते हैं। एक आर्टिस्ट क्या करता है कि हम लोग जो भी देखते हैं 3D में, हमारी रियल आई से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो एक्चुअली वी आर लुकिंग एट अ 3D ऑब्जेक्ट। वी आर कन्वर्टिंग इनटू, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ इल्यूजन ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट इन 2D आर्ट वर्क। तो इसके लिए जब तक आप लाइव जाके काम नहीं करेंगे तब तक आपको उस ऑब्जेक्ट की या उस स्पॉट की
राउंडिटी समझ में नहीं आएगी। तो आपको लाइव काम बहुत करना है और लाइव काम करने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका थ्री डायमेंशन का नॉलेज तो इम्प्रूव होता ही है, प्लस आपके काम की जो ग्रोथ है वो 10 टाइम्स फास्ट होती है। यस, दिस इज़ नॉट अ जोक, आपको लग रहा है, बट आप जब लाइव काम करते हैं तो आपका काम 10 गुना ज़्यादा जल्दी फास्ट इम्प्रूव होता है। सो आप लाइव काम कीजिए, कभी कभी किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है लाइव काम करना, जैसे कोई एकदम भीड़ वाली जगह है या कहीं पे आपको परमिशन ऐसे जगह पे आपको मिल, तब हम लोग फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। बट फोटोग्राफ भी आपको कौन से यूज़ करना है, यू हैव टू योर ओन फोटो, तो आपने खुद क्लिक किए हो, क्योंकि आप वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो यू हैव दैट मेमोरी इन योर माइंड, यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्लेस। क्योंकि आर्टिस्ट क्या कर रहा है, आर्टिस्ट का काम क्या है, आर्टिस्ट का काम सिर्फ कॉपी करना नहीं है, कॉपी ही करना होता तो हम लोग सीधे फोटो कैमरा से फोटो निकाल लेते ना। आर्टिस्ट का काम है कि कोई भी विजुअल को हम लोग हमारे हमारे इंटरप्रिटेशन से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको जो फील हो रहा है उस जगह को देख के, वो आप वो जो फीलिंग है वो आपको दर्शकों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए आपको आर्टिस्टिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग सिर्फ एक लैंडस्केप पेंटिंग देख रहे हैं, बट इसके पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और बहुत अलग अलग चीज़ों की स्टडी है इसमें। सो दिस इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट ड्राइंग और पेंटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कॉम्पोजिशन, अबाउट टोनल स्टडी, अबाउट कलर स्कीम, और इट ऑल्सो अबाउट एस्थेटिक ब्यूटी होती है या फील जो होता है। तो ये पेंटिंग सिर्फ कॉपी नहीं है, हम लोग इसमें एक फीलिंग ऐड करने की कोशिश कर रही हैं, और ये जो फीलिंग आपके पेंटिंग में तभी क्रिएट होगी जब आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज है, जो हम लोग एक आर्ट कॉलेज में सीखते हैं या जो हम एक प्रॉपर टीचर से हम लोग सीखते हैं, जिसे हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स कहते हैं। हर एक चीज़ को सीखने का अपना एक तरीका होता है। लाइक इफ लर्न म्यूजिक, नीड टू लर्न बेसिक ग्रामर ऑफ दैट सब्जेक्ट। म्यूजिक अगर आपको सीखना है तो आपको सारेगम सरगम या उसके जो राग होते हैं, है ना, राग मीन्स मूड, म्यूजिक में मूड को राग कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग जब सीखते हैं ना, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना है। वैसे ही हमें अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम वेरी स्ट्रांग इन योर पेंटिंग, आपको ये सारे फंडामेंटल सीखना। और आजकल बहुत काफ़ी कम जगह पे ये जो बेसिक फंडामेंटल सीखने को मिलते हैं, बट आई टीच बेसिक फंडामेंटल्स, आई हैव डिज़ाइन माई ओन कोर्स, मैंने काफ़ी स्टडी करके एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर करता हूँ। ओके, सो इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू लर्न बेसिक फंडामेंटल्स टू डेवलप योर वर्क एंड एक जेन्यून आर्ट जो होती है, अगर आपको एक हार्ड कोर आर्टिस्ट बनना है, रियली वॉन्ट टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी। सो आई थिंक काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे से मेरे पास से ये जो कोर्स किया हुआ है, तो काफ़ी लोग हैं। आई थिंक आप लोग भी बाकी लोगों को बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स। हाई कुल्स, कुल्स इज़ देयर, प्रकाश जी इज़ देयर। ओके, सो नाउ यू कैन सी आई हैव एडेड अल्ट्रा मरीन ब्लू, सेरेलिन ब्लू, स्लाइटली टर्कोइज ब्लू एंड स्लाइटली मैजेंटा ऑल्सो, अ वॉयलेट स्टोन यू कैन सी इन द सेंटर। सो इफ यू आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट, सपोज इट इज़ अ ब्लू ऑब्जेक्ट, इट नॉट नेसेसरी कि यू ओनली यूज दैट ब्लू कलर, बिकॉज देर इज सनलाइट, बिकॉज देर इज सम सराउंडिंग ऑल्सो अराउंड, सो दैट ब्लू विल चेंज इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। सो दैट्स वाई यू कैन सी द वेरिएशन इन ब्लू, दैट्स वाई आई हैव यूज मल्टीपल ब्लूज। हाय शाजिया, यस शाजिया इज ऑल्सो देयर, शी इज ऑल्सो जॉइंग वाटर कलर्स इन माई कोर्स।
and she's also amazing artist. You should check out her work. Jyoti is there. Jyoti is. Bhagyashri is there. Hi Bhagyashri. Thank you Bhagyashri. Yes. Thank you for appreciating. Okay. Yeah. So let's talk about this work. Now on the right side you can see I have changed the color scheme. So right side of the mountain is actually light area and the left side of the mountain is actually shadow area. So right side mein abhi maine kuch darks add karna shuru kiya hai. तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने कुछ ब्राउन बर्न टम्बर के साथ ब्लू और मैजेंटा मिक्स करके स्टोन्स बनाए क्योंकि राइट साइड से सनलाइट आ रहा है. सो व्हेन योर सनलाइट विल हिट ऑन द माउंटेन दैट पार्ट विल बिकम येलोइश दैट पार्ट विल बिकम वार्म कैन सी है ना. तो राइट साइड पार्ट जो जो लाइट का पार्ट है वहाँ पर हम लोग वार्म कलर यूज़ करेंगे और शेडो में हम लोग कूल कूल कलर्स हम लोग करने वाले हैं. So this is a nice combination of cool and warm together. See, अभी एक ही टोन हमने फिलअप किया हुआ है फिर भी हमारा पेंटिंग काफ़ी अपीलिंग लग रहा है. सो दिस इज ये जो अचीव करना है अगर आपने इतना भी अचीव कर लिया तो आपका पेंटिंग सक्सेसफुल. हमने सिर्फ लाइट और शेडो यहाँ पे पेंट की हुई है और एंड सडनली यू कैन फील दैट राउंडेड. नाउ स्लोली स्लोली आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर डिटेल्स ऑफ दैट माउंटेन बिकॉज माउंटेन्स में यू कैन सी सम डार्क्स डार्क टोन यू कैन सी सम ट्रीज ऑल्सो इन बिटवीन. सो आई एम यूजिंग पर्स ग्रीन विथ अल्ट्रा मरीन ब्लू भैया. डिस्टेंस के ट्रीज होते हैं वो थोड़े से विविश होते हैं सो ऑलवेज नॉट यूज डायरेक्ट ग्रीन योर लैंडस्केप ऑलवेज मेक योर ओन ग्रीन्स. तो अगर आप कोई भी कलर खरीदते हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि ग्रीन कलर आप कभी मतलब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो ट्यूब में के ग्रीन होते हैं वो काफ़ी फ्रेश और वाइब्रेंट होते हैं वो नेचुरल नहीं लगते हैं. तो अगर आपको नेचुरल बनाना है you can mix with your greens you can make your greens by mixing yellows and blues. usme bhi olive green hota hai sap green hota hai aise bahut sare greens hote hain but usually mainly I use hooker's green is a very good green color and you aap usko sap green bhi maybe convert kar sakte hain aur aap usko olive green mein bhi convert kar sakte hain by adding yellow lemon yellow and lemon yellow ochre. So if you want a fresh green color you can mix fresh lemon yellow with cerulean blue. Or agar aapko ek olive green type agar aapko banana hai to aap blue ke sath yellow ochre aur thoda sa burnt umber ya burnt sienna mix kar sakte hain to uska warm ho jata hai. So you can see I am painting very patiently. I never do hurry paint watercolor landscape. बहुत सारे लोगों को लगता है काम देख के कि ये काम बहुत fast किया होगा but ये काम मैंने काफ़ी patiently किया है आप देख सकते हैं और you should always take time to do your painting. आपका जो भी painting है आपको properly plan करना है and you have to also take breaks. Now I am adding dark tone. So I have created a nice gray color okay, by mixing my ultramarine blue, magenta and burnt umber. So कल ही निशिकांत जी का हमारा एक बहुत अच्छा सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने ग्रे कलर्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर उन्होंने बताया था. So ग्रे कलर क्यों यूज़ करना है और
मिक्स करके ही क्यों बनाना है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट दे मेक देयर ओन ग्रेज। नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड रेडीमेड ग्रे कलर इन ट्यूब्स, जैसे पेंस ग्रे हो गया। पेंस ग्रे इज अ वेरी नाइस ग्रे कलर। पेंस ग्रे में भी आपको एक मैजेंटा का एक टच आपको मिलता है, दैट्स व्हाई इट लुक्स वेरी नाइस। बट अदरवाइज ग्रे सिर्फ ब्लैक में पानी मिलाने से नहीं होगा, काफी डल होता है। मेंटेन द हार्मनी ऑफ योर पेंटिंग और मेंटेन द फ्रेशनेस ऑफ योर पेंटिंग, यू मेक योर। ग्रे कलर बनाने का कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है। कल निशिकांत जी ने आपको बहुत सारी वेरिएशन बताई थी हाउ टू मेक ग्रे। सी, ये पूरा ग्रे कलर है, दिस इज नॉट अ फ्रेश कलर, इट्स अ वेरी डार्क काइंड ऑफ कलर एंड आई हैव मेड दिस कलर विद बाय मिक्सिंग। सी, मेरा जो ग्रे कलर बनाने के का जो फॉर्मूला है दैट इज अल्ट्रामरीन ब्लू, वन डम्बो एंड मैजेंटा। नॉट नेसेसरी कि एवरी आर्टिस्ट विल फॉलो द सेम। सो ये तीन कलर से मैं ग्रेज बनाता हूँ, बट अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी कलर विल चेंज। अगर मुझे वार्म ग्रे करना है तो शायद मैं उसमें बर्न टम्बर इंक, अगर मुझे कूल ग्रे बनाना है तो मैं इसमें ब्लू ज़्यादा इंक्रीज कर। तो द प्रपोर्शन ऑफ कलर विल चेंज वाइल मेकिंग। ओके, नाउ चेक आउट दिस डार्क डिटेल्स। हियर आई एम यूजिंग वेरी ड्राई ब्रश। यहाँ पे मैंने ब्रश काफ़ी कम लोड किया हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ टेक्सचर अचीव करना है। देखिए मैं कैसे रफ, आई एम जस्ट यूजिंग ड्राई ब्रश हियर। आई एम यूजिंग द साइडवेज, आई एम यूजिंग ब्रश फ्रॉम साइडवेज। सो आई वॉन्ट दिस टेक्सचर, सो आई एम ट्राइंग टू अचीव द टेक्सचर ऑफ दैट माउंटन, दैट रॉक। सो दैट्स वाई एम यूजिंग ड्राई ब्रश। हाउ कैन अचीव, बट आपको कैसे अचीव करना है, आपको यू हैव टू टेक लॉट ऑफ पिगमेंट। द पिगमेंट शुड बी वेरी थिक, बट इट शुड ऑल्सो नॉट लोड योर ब्रश। अगर आपने ब्रश पूरा लोड कर लिया तो आपको इतना रफनेस नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा पैलेट के ऊपर या रैक के ऊपर आपको निकाल लेना है उसे। And just use sideways. Practice this actually. Working on final painting. Yeah. So Jyotsna is asking, what about grays? How do you choose to mix gray painting? So basically, I am not using any direct gray from tube. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो ग्रे बनाया है ये मैंने मिक्स करके बनाया है। ग्रे कलर बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मेरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। बट इफ यू वांट टू मेक अदर ग्रेज, सो बेसिकली जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपको हमेशा ग्रे कलर ही मिले। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मीन्स अपोजिट कलर्स, जैसे ग्रीन एंड रेड, ऑल टू कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप इसको मिक्स कर देंगे तो वो डल हो जाएगा। ओके, बट अगर आपको उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, टेम्परेचर मीन्स उसकी जो कलर की जो इंटेंसिटी है फॉर्म या कूल की, तो आप दोनों कलर के अमाउंट ऑप्शन है कम ज़्यादा करके आप कर सकते हैं। या शाजिया, आई हैड जस्ट शेयर्ड दैट फोटो रेफरेंस for this painting, but I can share with you again. You can see I have used this one image for mountain. This is another image for shadow colors, and I have used this image for this kind of building. Here I am using this photo reference, but with that I am also changing a bit.
हेलो अनीता, हाय रीना, थैंक यू। अच्छा, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट पेपर स्ट्रेचिंग। ओके, सो आई हैड गिवन यू अ डेमो हाउ टू स्ट्रेच द पेपर। Now you can see my paper is not buckling because of stretching the paper. मैंने पूरा पेपर वेट किया था, फिर भी पेपर कहीं पे भी बकल नहीं हुआ। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो स्ट्रेचिंग। अगर आप लोगों ने पेपर स्ट्रेच किया है तो कंटिन्यू दैट प्रैक्टिस बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट। इनिशियली आप थोड़ा फेल हो जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस टू स्ट्रेच द पेपर। इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है, बट आफ्टर फेलिंग 5-6 टाइम्स मे बी विल सक्सेड। ओके, सो ऑलवेज स्ट्रेच योर पेपर। आपको उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। पेपर को स्ट्रेच करने के लिए ये बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैंने पेपर स्ट्रेच करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि पेपर कैसे स्ट्रेच किया जाता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी तो एक एक हफ्ते पहले ही एक लाइव सेशन में आपको दिखाया था कि पूरा इन डेप्थ मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेचिंग पेपर, स्ट्रेचिंग क्यों किया जाता है या फिर उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव डेमो के साथ दिखाया था। आप कैन गो बैक टू माई दैट वीडियो एंड वॉच। हाय निधि, निधि इज आस्किंग हाउ कैन वी लर्न एंड अंडरस्टैंड लाइट एंड शैडो कॉन्सेप्ट लेवल। लाइट एंड शैडो कॉन्सेप्ट इज डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द राउंडेडिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यू वोंट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट योर लाइट एंड शैडो। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम। आपको ड्राइंग बहुत करना है तो स्केचिंग से आपको उसकी राउंडेडिटी के बारे में पता चलेगा। तो आई इंकरेज यू टू लॉट ऑफ पेंसिल शेडिंग। ओके, सो जस्ट स्टार्ट विथ टोन्स। आपको सिर्फ ड्राइंग करना है। जैसे बिगिनिंग में मैंने आपको सिर्फ एक ही टोन मैंने फिलअप किया था माउंटेन, बस आपको दो टोन में काम करना है। नाउ आई एम एडिंग मोर टोन्स स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो डोंट ओवर डू ऑन योर वर्क। नाउ आई एम एडिंग थर्ड लेयर। सो आई स्टार्टेड विद अ लाइट टोन, देन आई एडेड मिडल टोन, नाउ आई एम एडिंग द डार्केस्ट डार्क कलर। यू कैन सी दिस इज वेरी ओपेक डार्क कलर। यस, सो शाजिया सजेस्टिंग निधि कि सर हैज़ इन डेप्थ लाइव कोर्स विच ही कंडक्ट्स ट्वाइस अ वीक। यस, सो मेरे दो कोर्सेज हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आर्ट फंडामेंटल का कोर्स है विच इज़ वेरी इन डेप्थ कोर्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो एक्चुअली जॉइन दिस कोर्स बिकॉज ये बहुत ही इन डेप्थ और इंटेंस कोर्स है। इसमें बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत काम होता है। प्रैक्टिकली आई वर्क ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। बहुत काम करना पड़ता है। जैसे एक आर्ट कॉलेज में जाने के बाद आपको काम करना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा मेरे कोर्स में आपको काम करने को मिलेगा। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको डेडिकेटेडली एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है एंड यू हैव टू डेडिकेट सो मच टाइम। आपको टाइम बहुत चाहिए उस काम करने। सो जो एकदम सीरियस लर्नर्स हैं सिर्फ वही इस कोर्स को ले सकते हैं। बाकी हॉबी आर्टिस्ट लोगों के लिए ये कोर्स नहीं है। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं और अगर आप बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो ही आप प्लीज़ इस कोर्स को। और इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ माय कोर्स, माय वाटर कलर कोर्स और फंडामेंटल कोर्स। मेरा वाटर कलर्स का भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। सो ऑन द बॉटम यू कैन सी देर इज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर।
If anybody wants to know about my courses or wants to join my courses, you can WhatsApp on this number. We'll get all the details of the courses. Okay, so please that. Hi Rishna ji, thank you for joining. Jyoti is there. Yes. Bash out. Hello Pritam. Hello Dr. Pritam. आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम भी हैं. काफ़ी टाइम बाद उन्होंने ज्वाइन किया. ही इज़ वेरी बिजी पर्सन एंड अमेजिंग आर्टिस्ट. सो ही इज़ आस्किंग, हेलो सर, वेयर कैन वी सी वीडियोस आई हैव मिस्ड. लाइव वीडियो, ओके. हाँ, सो या यू कैन फाइंड ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो जो भी लाइव सेशंस हमने किए हुए हैं, ये सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सेव हो जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू सी माय लास्ट सेशंस, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेंगे सारे. हेलो अमोल. सो अमोल पवार जी इज़ विथ अस, माय फ्रेंड, माय वेरी क्लोज फ्रेंड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अमोल. ओके, थैंक यू ऐश. उमेश कालिया इज आस्किंग, सर यू आर क्रिएटिंग वेरी नाइस रॉकी इफेक्ट जस्ट बाय गिविंग ग्रे टोन्स एंड ड्राई ब्रश, दैट्स मार्वेलस. थैंक यू. यस, थैंक यू रीटा. यस, सो रीटा जी ऑलवेज अप्रिशिएट माय आर्ट फंडामेंटल कोर्स, बिकॉज दिस कोर्स एक्चुअली, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ मेरा कोर्स, बट ये प्रमोट करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि कितने लोगों का पूरा लाइफ चेंज हो गया ये कोर्स करने के बाद, कि उनका पूरा विजन, उनका पूरा, बिकॉज यू विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम. कि अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे यूट्यूब से या किसी बुक से या और कुछ से, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप शायद मिसगाइड भी हो सकते हैं. सो दिस इज अ सिस्टमेटिक कोर्स वेयर मेंटोर विल बी ऑलवेज यू नो कीपिंग आई ऑन यू ऑन ऑन एवरी असाइनमेंट, और आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलता है. तो जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बुक्स क्यों पढ़ते हैं, वी रीड बुक्स, करेक्ट. हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें नॉलेज मिले, हमें उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं. तो बुक्स इज़ अ कम्प्लीट नॉलेज. तो अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है. इफ़ सपोज यू वॉन्ट टू लर्न एनीथिंग, जैसे कोई भी साइंस की अगर बुक है, साइंस या केमिस्ट्री की बुक है, तो अगर आप इसमें सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम करके रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने वो सारे फार्मूलाज हैं वो बना के रखे हैं. सो दोज बुक्स आर लाइक फार्मूला. तो अगर आपको फार्मूला पता चल गया तो फिर आपके लिए लाइफ ईजी हो जाती है. सिमिलरली ये कोर्सेज भी ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि दिस इज़ लाइक अ फार्मूला. इफ़ यू लर्न इट तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है. तो अभी हमारा भी मेन मोटो यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नॉलेज तक शेयर करें, कि जो रियल नॉलेज है, जो जेन्युइन आर्ट आर्टिस्ट बनने के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे शेयर करने की कोशिश. यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेंटिंग. सर आई हैव कंप्लीटेड माई फोकल पॉइंट, आई एम वेरी मच हैप्पी विद द माउंटेंस, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्सचर और बहुत अच्छे लाइट एंड शेडो के साथ एक जितना काम होना चाहिए उतना हो गया है. आई एम नॉट ओवर डूइंग ऑन इट, जितना काम होना चाहिए उतना ही किया है. अभी मेरा जो सेकेंड, मेरा माउंटेन इज माई हीरो एंड नाउ दिस साइड हाउस इज यू नो सपोर्टिंग हीरो, सपोर्टिंग एक्टर काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज माई सपोर्टिंग एलिमेंट एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड यू कैन सी देर इज अ change in color scheme. Okay. So this is a warm red color, is mixed with crimson, burnt sienna and yellow ochre. So yahan pe burnt sienna, crimson aur yellow ochre mix karke maine ye tone banaya hua. But still I am also adding a blue in it, taki wo disturb na kare.
बिकॉज वॉर्म एंड कूल कलर्स आर ऑलवेज कॉन्ट्रास्टिंग कलर। आपने देखा है, आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने उसको ब्लू के साथ थोड़ा ब्लेंड कर दिया है, सो इट इज़ गिविंग नाइस इफेक्ट ऑन द रूफ। ओके, देखिए अब मैंने रूफ के लिए कैसे वाइट स्पेस छोड़ दिए। अभी उसको मैं कुछ टाइम के बाद लिफ्ट करने वाला हूँ बाय एडिंग समथिंग इन द बैकग्राउंड। बहुत सारे लोग जो रूफ के ऊपर पड़ने वाला जो लाइट होता है वो फिनिश कर देते हैं, रूफ को भी कलर कर देते हैं। कभी भी पेंट मत कीजिए बिकॉज रूफ इज़ द सरफेस वेयर लाइट, यू नो, लाइट का जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर होता है ना, तो वहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे जो भी कलर होगा, सपोज योर रूफ इज़ ब्राउन और योर रूफ इज़ ग्रीन और रूफ इज़ वॉट एवर कलर, लेकिन लाइट डायरेक्ट हिट करता है वहाँ पे, वहाँ का जो टोन है दैट विल बी वाइट। इवन अगर आपका रूफ ब्लैक भी है स्टिल इट विल बिकम वेरी लाइट बिकॉज वहाँ पे आपका लाइट बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है। सो डोंट ट्राई टू पेंट योर टॉप, विल सी। नाउ वन मोर अमेजिंग थिंग्स यू आर गोइंग टू सी, आई एम वेटिंग द बैकग्राउंड। आप देख सकते हैं कि माउंटेन के ऊपर का जो जो द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स आर एक्चुअली मिक्सिंग इन द बैकग्राउंड। सो एक्चुअली आई वॉन्ट टू लिफ्ट दैट पीक्स फ्रॉम द बैकग्राउंड, सो माई पीक्स आर एक्चुअली वाइट लाइट। सो अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल नीड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। सो वी विल नीड टू एड अ डार्क टोन अगेंस्ट द पीक्स, द लाइटर पीक्स, ऑटोमेटिकली दैट पीक विल कम इन द फ्रंट। नाउ यू विल सी, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक क्लीन वाटर से बैकग्राउंड है उसको मैंने एक पूरा वॉश दे दिया है, एंड देन स्लोली आई विल ऐड अ डार्क कलर इन द स्काई। दिस इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ दैट पेंटिंग। नाउ यू कैन, नाउ यू विल सी, हाय अलका, काफ़ी दिनों के बाद अलका ने आज हमारा सेशन ज्वाइन किया है, हैप्पी फॉर यू। पिन इज देयर सर, व्हाट्स ग्रे प्राइस? एक्चुअली आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट यू एग्जैक्टली यू। नाउ आई एम एडिंग अ डार्क ब्लू इन द स्काई। Okay, now I'm going to create a nice contrast on the with the peaks of the mountain with the sky. See, now the picture will completely change. And I am spreading that blue colors in such a way so it should give the feel of clouds also. So you can see I am also leaving some white in the sky. क्योंकि ज़्यादा blue हम लोग background में add नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे जो mountains का blue है वो और वो काफ़ी blend हो जाएगा। मैं उतना ही कर रहा हूँ जहाँ पर white area है उसी के against मैंने dark sky add किया हुआ है। Sam ji saying you make it interesting, hobby artists get converted into serious ones, I can vouch for your course. Thank you Pritam ji. Jyoti Verma, fundamental course is really game changer. Yes, thank you Jyoti. Josna is asking how many days in the course. Okay, it's a 7-month course. ओके, अभी मैं कोर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स फॉर यू। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ सेव दिस नंबर, व्हाट्सएप नंबर।
Shazia is saying the house is the Amitabh Bachchan of the painting. Yes, at the end of the painting, feel like Amitabh Bachchan. So what is Amitabh Bachchan? आप सब लोग सोच रहे होंगे ये अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गया पेंटिंग में, है ना? सो आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल इन माई क्लास, योर फोकल पॉइंट एज अमिताभ बच्चन. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फोकल पॉइंट इन योर पेंटिंग. जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं या कोई कोई सीन है, तो किसी भी मूवी में अमिताभ बच्चन एक ही होता है, 10 अमिताभ बच्चन नहीं होते हैं. अमिताभ बच्चन इज योर फोकल पॉइंट, इज मेन हीरो. बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर है, हीरो हीरोइन विलन जैसे होते हैं. से सो आई थिंक इट्स अ गुड एग्जाम्पल, इंडियन पीपल कैन रिलेट विथ मूवीज बेटर वे. ओके, सो लेट्स वर्क ऑन दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल हाउस. सो नाउ आई एम एडिंग डार्क टोन्स हाउस. अगेन आई एम यूजिंग, सी किसी भी ऑब्जेक्ट का डार्क टोन बनाने का भी अपना एक तरीका अलग होता है. सो द डार्क्स ऑन द माउंटन्स आर मेड विथ ह्यूज. ओके, अभी ये जो हाउस मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, इसके जो भी डार्क टोन्स हैं मिक्स विथ क्रिम्जन एंड ब्राउन, आप देख सकते हैं वो जो मैंने डार्क यूज़ किया है, इट इज़ रेडिश. यू हैव टू मेंटेन दैट हार्मनी, कहाँ पे ब्लू यूज करना है, कहाँ पे रेड्स यूज करना है. स्टैंडर्ड मेनी पीपल आर आस्किंग अबाउट, यस प्लीज व्हाट्सएप नंबर गेट ऑल द थैंक यू प्रकाश जी फॉर कोर्स, थैंक यू निशी. हेलो, हाय रंजन. हाय सर, हम रंजन को बोल रहे हैं, पैरों से पेंटिंग करते हैं. अच्छा रंजन, ओके ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन. आपका भी काम देखना हम पसंद करेंगे कभी. प्लीज़ कैन कनेक्ट वी कनेक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम. आपका जो भी काम है आप शेयर कर सकते हैं. हाय अपर्णा, थैंक यू थैंक यू. निधि इज आस्किंग डार्क टोन करने के लिए कौन सा ब्रश है सर. डार्क टोन यूज़ करने के लिए ब्रश की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं. आपको सिर्फ कलर के साथ खेलना है. ओके, अश्विनी इज आस्किंग हाउस इज फ्रॉम इमेजिनेशन और इट वॉज देयर. सो एक्चुअली आई हैव टेकन अ रेफरेंस फॉर दिस हाउस, बट सिर्फ मैंने ड्राइंग उसका रेफरेंस से किया हुआ है, बाकी कलरिंग मैंने पूरा कंप्लीटली मेमोरी से किया हुआ है. सो आई ऑलवेज चेंज ऑल ऑफ माई रेफरेंसेज, आई नेवर कॉपी एज इट इज एवर आई सी. हाय प्रवेश, नमस्ते. हाय अवतार प्लैनेट्स, थैंक यू. सी नाउ अगेन आई हैव क्रिएटेड दिस डार्क कलर एंड दिस इज ड्राई ब्रशिंग, यू कैन सी. दिस डार्क इज मेनली मेड ऑफ द ब्राउन्स एंड ब्लूज. अच्छा, यू आर आस्किंग अबाउट दैट थिन ब्रश. ओके, यस यस, फॉर दोज स्टिक्स, जो भी पतले स्टिक्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा ब्रश किया है. इज दिस वन, दिस इज चाइनीज ब्रश, चाइनीज कैलीग्राफी ब्रश, कैन सी.
ये काफ़ी थिन होता है, तो ये मैंने कहा, हाँ आई थिंक ये मुझे प्रफुल्ल जी ने गिफ्ट किया था जब चाइना गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारे ब्रशेस लेके आए थे, तो उन्होंने किया था। और इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग दिस ब्रश एंड इट इज़ स्टिल वेरी गुड क्वालिटी। सो थैंक यू माई डियर फ्रेंड प्रफुल्ल फॉर गिफ्टिंग मी ऑल दिस वंडरफुल गिफ्ट्स। आप लोग भी मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, इफ़ एनी बडी वॉन्ट्स टू गिफ्ट मी, मैं आपको मेरा एड्रेस भेज सकता हूँ। ओके थैंक यू श्वेता, थैंक यू लव नेचर। सो नाउ यू कैन सी हाउ स्लोली दिस पेंटिंग इज यू नो इवॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। मैं सोच समझ के मेरे पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो आई मेनली फर्स्ट वर्क ऑन द माई मेन फोकल पॉइंट इज द माउंटेन एंड दिस हाउस इज माई एक्चुअली अनदर हीरो और साइड हीरो यू कैन से। तो नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड स्लोली देन आफ्टर दिस आई विल सी कि वॉट एल्स नीड्स टू बी एडेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वेर यू शुड स्टॉप एंड हाउ मच वर्क यू शुड। तो ये कैसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेमोरी से करते हैं, भले आपके पास फोटो रेफरेंस है। मेनली मैं जब भी पेंटिंग करता हूँ तो मैं रेफरेंस सिर्फ ड्राइंग करने के लिए ही मेनली यूज़ करता हूँ, बाकी जो भी एलिमेंट्स उसमें ऐड करने हैं या कम करने हैं वो सारी चीज़ें मैं एक बार ड्राइंग होने के बाद जो भी कलरिंग वाला पोर्शन है वो मैं सिर्फ मेमोरी से, मोस्टली मेमोरी से करता हूँ, ताकि सो आई डोंट ओवर वर्क ऑन इट। ओके सो आई स्टार्टेड विथ माउंटेन, बैलेंस इट आई हैव एडेड दिस हाउस, क्योंकि अगर मैं सिर्फ माउंटेन करके छोड़ देता तो शायद इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा एम्प्टीनेस आपको लगता था। तो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। सो स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप बाय ईच एलिमेंट आई एम ट्राइंग टू बैलेंस माई मेड एंड हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस हाउस, वंस दिस इज कम्प्लीट आई थिंक अबाउट वॉट नेक्स्ट आई शुड एड। ओके सो नाउ यू कैन सी आई एम एडिंग अ डार्क टोन द बैक ऑफ द हाउस, बिकॉज जो रूफ है, रूफ का जो लाइट है दैट इज एक्चुअली मिक्स्ड विद द वाइट माउंटेन। तो जैसे हमने माउंटेन का पीक लिफ्ट करने के लिए स्काई में डार्क ऐड किया है, सिमिलरली आई एम ऑल्सो एडिंग डार्क टोन इन द बैक ऑफ द हाउस। आई एम रिपीटिंग दिस ब्लू कलर हियर ऑल्सो बिकॉज लेफ्ट साइड थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है। सो आई एम जस्ट एडिंग स्मॉल स्मॉल एलिमेंट बैलेंस इट। थैंक यू श्वेता फॉर एडमायरिंग माई वर्क। इन इज आस्किंग वेयर वी कैन बाय दीज चाइनीज ब्रशेस। चाइनीज ब्रशेज आर वेरी गुड फॉर, अच्छी क्वालिटी के चाइनीज ब्रशेज आपको ऑनलाइन भी मिलना मुश्किल है वैसे। या बट रैप्स एंड रूफ्स दे आर सेलिंग गुड चाइनीज ब्रशेज। रैप्स एंड रूफ की वेबसाइट पे आपको कुछ चाइनीज ब्रशेज मिलेंगे, अमेजोन पे भी कुछ चाइनीज ब्रशेज अवेलेबल हैं, बट द बेस्ट वे टू बाय योर चाइनीज ब्रशेज इज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। और यू नो क्योंकि आई डोंट रियली नो कि वेयर एग्जैक्टली यू कैन फाइंड चाइनीज ब्रशेज। वॉट एवर ब्रश आई एम यूजिंग ऑल दोज ब्रशेज आर गिफ्टेड फ्रॉम समवन। ओके नाउ यू कैन सी ऑन द राइट साइड आई एम ऑल्सो एडिंग हिंट ऑफ सम माउंटेन बैलेंस। जितनी डिटेल्स मैंने लेफ्ट साइड के माउंटेन्स में की है उतनी मैं राइट साइड के माउंटेन में नहीं करूँगा, ये तो काफ़ी ओवरवर्क हो जाएगा। जस्ट उसको मैंने थोड़ा बैकग्राउंड के साथ फेड कर दिया है। आई माइट ऐड सम ट्रीज ऑफ ट्रीज इन बैकग्राउंड लेटर। सी नाउ आई एम एडिंग सम ट्रीज। सो ये जो बैलेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पेंटिंग को बैलेंस करने के लिए चीज़ है, ये कैसे आती है?
आती है जब आप बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, विद प्रैक्टिस ऑल्सो यू लर्न। सो इट इज़ ऑल अबाउट सेंस, आपको आपका सेंस डेवलप करना है कि आपको देखते आना चाहिए कि आपका फाइनल पेंटिंग का लुक कैसे होने वाला है। देखिए अभी ये ट्रीज भी मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा मेमोरी से ऐड कर रहा हूँ है ना बैकग्राउंड में। अभी ये ट्री डार्क टोन में मैंने ऐड किया है जस्ट टू लिफ्ट दोज टॉप्स। रूफ देखो अभी कैसे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। ओके सो आई एम गोइंग टू ऐड मोर ट्रीज, दिस ट्रीज आर पाइन ट्रीज विच यू फाइंड इन दिस काइंड ऑफ लैंडस्केप। लेट्स टॉक अबाउट बैलेंसिंग एंड कॉम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे लोग किसी भी जगह का, आप अगर आपके घर में रहते हैं तो अगर जब आपका घर आप जब इंटीरियर बनाते हैं, इफ़ यू डेकोरेट योर हाउस यू प्लान इट वेल, आप उतनी चीज़ें आपके घर में रखते हो, एक ही कलर स्कीम की आप चीज़ें रखते हो, एक ही स्टाइल की। अगर आपको आपके घर का इंटीरियर बनाना है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, तो आप बहुत सोच समझ के आपके घर का इंटीरियर करते हैं, एक ही थीम में आप बनाते हैं। अगर आपकी एक कोई ट्रेडिशनल थीम है तो आप ट्रेडिशनल थीम में ही आपका आपके घर में सारी चीज़ें होंगी, आपका फर्नीचर, आपके आर्टिफैक्ट्स, आपके पेंटिंग्स, वॉट एवर दैट विल, और आप उतनी चीज़ें रखेंगे जितनी उस रूम में ज़रूरत है। सिमिलरली इस पेंटिंग में भी जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स यू शुड ऐड। स्लोली स्लोली आई एम एडिंग वन बाय वन एलिमेंट, सो ऑलमोस्ट माई पेंटिंग इज, मेरा पूरा पेंटिंग ऑलमोस्ट हो गया है यहाँ पे। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड दिस वॉट एवर इफेक्ट आई हैव अचीव्ड टिल नाउ, एंड आई एम स्टिल थिंकिंग वेदर आई शुड एड थिंग नॉट। ओके सो ऑलवेज टेक ब्रेक आफ्टर एवरी लेयर, सोचिए कि आपको क्या देखना है। अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो उसको आप रख दीजिए बंद करके, दो दिन के बाद वापस आपका काम ओपन करके देखिए, तो फ्रेश माइंड से फिर जब आप देखेंगे आपके काम की तरफ तो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ अरे यहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा है, तो यहाँ पे और कुछ ऐड करना चाहिए। ओके सो इन दिस पेंटिंग, दिस वेरी सक्सेसफुल पेंटिंग, बट आई थिंक कुछ कमी लग रही है इसमें। ओके तो क्या कमी है? लाइफ की कमी है। ओके सो इस पेंटिंग में अभी हम लोग धीरे धीरे लाइफ ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू नीड टू ऐड अ लाइव ऑब्जेक्ट, अ लाइव एलिमेंट। सो व्हाट इज लाइव एलिमेंट? लाइक ह्यूमन फिगर्स और एनिमल्स और अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक कार, लाइक दैट, ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू। सो नाउ स्लोली स्लोली आई ट्राई टू ऐड सम लाइफ इन इट। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश माई पेंटिंग। थैंक यू ज्योति, दिस आइडिया इज ऑल्सो अमेजिंग, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। यस मैंने जानबूझ के वो किया है ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, मैं तो पेंटिंग करते करते मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ पेंटिंग में, तो आपसे इंटरेक्ट करना नहीं हो पाता है और काफ़ी कम बात होती है। सो आई होप यू लाइक दिस आइडिया। सो इफ यू एनकरेज, आई वुड डेफिनेटली इन नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको और भी बहुत कुछ से बताऊँगा। ओके सो आई थिंक ऑलमोस्ट आई पेंटिंग इज डन। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट शो यू द फाइनल पिक्चर ऑफ माय थिंग आल्सो, जस्ट गिव मी वन मिनट। I'll just show you.
final work of my paint. Yes, so this is my final work. You can see. So I hope you enjoyed this watercolor demo. And about material, I would like to mention that I have used Chitrapat handmade paper, which is cold press. Chitrapat handmade paper, this is I think 270 or 300 GSM, and it's a very good paper. Or इसका texture काफी अच्छा है. So cold Chitrapat paper में काफी अलग-अलग type के textures आते हैं. एक rough भी आता है और एक fine grain cold press जो ये मैंने use किया है, जिसकी grains काफी ज़्यादा heavy भी नहीं है, काफी अच्छी है काम करने के लिए. So these papers I had ordered from Wraps and Roofs. ने मुझे काफ़ी अच्छे से कट करके भेजा था, तो आप उनसे भी ये ले सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम सीताराम स्टेशनरी और बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं. थैंक यू रमेश, थैंक यू धीरज, ललिता जी थैंक यू. Okay, thank you everyone for watching this demo. And before I leave, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम लोग नेक्स्ट मंथ केरला वाटर कलर सोसाइटी इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग अ वेरी बिग वाटर कलर इवेंट इन केरला. तो सून द डिटेल्स विल बी शेयर्ड विथ यू. सो मी माई सेल्फ, सिकंदर जी, निशिकांत जी, अचिंत्या जी, ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली गोइंग टू विजिट दिस वाटर कलर इवेंट. और वहाँ पे विजय बिस्वाल सर भी आने वाले हैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले हैं, और हम लोग वहाँ पे जाके बहुत सारी वर्कशॉप्स भी लेने वाले हैं. सो इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू अटेंड दिस वर्कशॉप, इसकी डिटेल्स हम लोग इंस्टाग्राम पे जल्द ही डालने वाले हैं. सो प्रकाशन पुतूर जी हैं जिन्होंने ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया है, केरला के एक बहुत बड़े वाटर कलर आर्टिस्ट मिस्टर साधु अलीयूर, काफ़ी सीनियर और बहुत ही अमेजिंग वर्क है उनका, बट कुछ सालों पहले ही उनका देहांत हो गया, इज पास्ड अवे. तो इन हिज मेमोरी वी आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, सपोर्ट फैमिली और एंड आर्ट फ्रेटर्निटी. दिस ऑल वर्कशॉप फंड्स विल बी यूज फॉर यू नो social work. So I request all of you to please join us in Kerala. So the dates will be 13th and 14th August, which is the next month, Saturday, Sunday. Okay, so just book your dates and बाकी जो details हैं हम लोग जल्द ही आपको share करेंगे. Okay, और just be in touch. Anybody wants to know about our next sessions, follow us on Instagram and Facebook, हम करते रहेंगे. And if anybody wants to learn any new subject, अगर आप हमें कुछ suggest करना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ और चीज़ के बारे में सीखना है या कुछ informative session अगर आपको चाहिए, तो आप please comment me below and we will be in definitely touch. So thank you everyone for joining this. Have a good night. See you next week. Saturday को अचिंत्या जी का demo है, वो भी आप भूलना मत, एक नए subject के साथ आने वाले हैं. So thank you everyone for your love and don't forget to subscribe all the doors. See you. Good night.